अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डाटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने बात करनी शुरू की है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन की, तो आज हम उसकी फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी लाइन कोडिंग पर बात करेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं, यानी लाइन कोडिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि शुरू में हमने बात की थी डेटा दो किस्म का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल। और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को। यानी दो किस्म के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो सिग्नल को ट्रांसमिशन करने के भी दो तरीके हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन कैसे होती है, हम डिजिटल सिग्नल को डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, या डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने बात शुरू की थी डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की। तो हमने कहा था उसकी फर्दर तीन टाइप्स हैं, लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। तो आज हम लाइन कोडिंग पर बात करेंगे। लाइन कोडिंग में जी क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा डेटा टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो वगैरह किसी फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में स्टोर कैसे होता है, तो ये होता है बिट्स की शक्ल में। बिट्स कैसे क्या होती हैं, 1010010 की शक्ल में, डिजिटल डेटा की फॉर्मेट में। तो लाइन कोडिंग क्या करती है, लाइन कोडिंग इस तरह करती है कि इस डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। यानी डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइन कोडिंग। यानी हम डिजिटल सिग्नल्स को, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्जन के प्रोसेस को लाइन कोडिंग कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिजिटल डेटा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में होता है, और लास्ट वीडियो में जिस तरीके से मैंने आपको डिजिटल सिग्नल्स और सिग्नल एलिमेंट दिखाए थे, तो हमारा जो सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है, या वेव फॉर्मेट पे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो होता यह है कि हमारा जो कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा होता है उसको हम सेंडर कहते हैं। तो सेंडर क्या करता है, अपने डेटा को सेंड करता है। तो सबसे पहले ये किसी डिवाइस या इनकोडर से गुजरता है डेटा, तो ये डिजिटल सिग्नल हमारे डिजिटल डेटा में कन्वर्ट, डिजिटल डेटा हमारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कन्वर्जन कैसे होती है, तो ये इनकोडर इसको इस तरह कर देते हैं कि डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में करते हैं। इनकोडर में क्या होता है, ये लाइन कोडिंग होती है, ठीक है। और इस डेटा को ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर रिसीवर की तरफ भेजते हैं। रिसीवर के आगे एक डिकोडर लगा होता है जो कि इसी लाइन कोडिंग को यूज़ करके वो इस तरह कर लेता है कि डिजिटल सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है, यानी 1010 या बाइनरी फॉर्मेट में। तो ये कैसे पता चलता है, ये सारा हमें डिजिटल सिग्नल लाइन कोडिंग की मदद से होता है, या इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये डेटा है, ठीक है। तो लाइन कोडिंग की फर्दर स्कीम्स हैं यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन। तो हम वन बाय वन कुछ को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर पर बात मैं शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि ये स्कीम अब बिल्कुल यूज़ नहीं होती, आजकल यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसमें इस तरह होता है कि दो सिग्नल लेवल होते हैं, ठीक है, दो सिग्नल लेवल नहीं होते, सॉरी, एक वन वोल्टेज लेवल होता है, यानी वोल्टेज लेवल पर ये काम करते हैं। तो ये वोल्टेज लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक से मुराद ये है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिट हो रही है, और जीरो से मुराद है कि कोई वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं हो रही है। यानी वन से मुराद है वोल्टेज ट्रांसमिट हो रही है, जीरो से मुराद वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं हो रही। यानी जैसे हमारा एक बटन होता है, आप देखते होंगे बोर्ड के अंदर एक बटन लगा हुआ है, जो एक को नीचे की तरफ दबाते हैं तो हमारा चार्ज बहना शुरू हो जाता है, बल्ब ऑन हो जाते हैं, अगर ऊपर वाला दबाएं तो जीरो, यानी कोई वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये सेम यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीम है। नॉन रिटर्न टू जीरो से मुराद क्या है कि ये देखें एक बिट है, इस बिट के दरमियान ये डेटा किसी भी पॉइंट पर नीचे वापस नहीं आएगा, जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रहेगा। तो एक से मुराद हमारा है कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है, और जीरो से मुराद है कि हमारी वोल्टेज ट्रांसमिट नहीं हो रही। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है पोलर स्कीम। पोलर स्कीम में इस तरह होता है कि हमारी मल्टीपल वोल्टेज लेवल होते हैं, दो नहीं होते, ठीक है, मल्टीपल होते हैं, हम दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यानी ये होते सारे जो हमारा डेटा है ये बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है, और ये लेवल भी हमारे बाइनरी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं पोलर, नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो और बाईफेज, यानी मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। तो इसमें पोलर स्कीम में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो की सबसे पहले बात करते हैं। देखें इसमें नॉन रिटर्न टू जीरो से मुराद क्या है, नॉन रिटर्न टू जीरो के मुराद यह कि सिग्नल किसी भी लेवल पर नीचे नहीं आता, यानी एक बिट के अंदर दरमियान में कहीं भी नहीं, नीचे नहीं आता, ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, नॉन रिटर्न टू जीरो एल और नॉन रिटर्न टू जीरो आई, यानी नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल और नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें आप देखते होंगे कि नॉन रिटर्न टू जीरो एल से एल में तो आप सिंपल देखते होंगे कि वन पर ये ट्रांजिट हो रही है, ठीक है, और जीरो पर ये अपनी ऊपर वाली स्टेज पर खड़ी है, ठीक है,
तो इसके बाद है नॉन रिटर्न टू जीरो आई यानी इन्वर्जन। इसमें इस तरह होता है कि अगर नेक्स्ट बिट वन है तो ये इस तरह कर लेता है कि नेक्स्ट बिट को इस तरह कर लेता है कि अगर जीरो है तो ये इन्वर्जन नहीं करता। ये देखें यहाँ जहाँ जहाँ जीरो है उसने इन्वर्जन नहीं की। नेक्स्ट बिट अगर जीरो है तो वो मैं आप लोगों को कैसे दिखा सकता हूँ, वो मैं इधर से पॉइंटर लेता हूँ, पेन लेता हूँ। देखें ये एक जीरो है, दूसरी ये जीरो है और तीसरी ये जीरो है, ठीक है, तो और चौथी ये जीरो है। चौथी को खैर छोड़ें, यहाँ देखें यहाँ ट्रांजिशनें वगैरह हुई पड़ी है लेकिन नेक्स्ट बिट जहाँ जीरो है तो उसने कोई ट्रांजिशन नहीं ली। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जाके इसने नेक्स्ट बिट देखी है तो वो जीरो थी तो इसने ट्रांजिशन नहीं ली, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट बिट वन आई है इसने ट्रांजिशन ले लिया। तो यहाँ देखें वन जहाँ भी आएगा उसने नेक्स्ट बिट ने ट्रांजिशन ले लेनी है, ठीक है, और दोबारा फिर वन आया तो इसने दोबारा ट्रांजिशन ले लिया, और दोबारा एक मरतबा फिर वन आया तो इसने फिर ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ ले लिया, और दोबारा फिर जीरो आया तो इसने ट्रांजिशन नहीं ली। ये तो बात होगी ना जहाँ ट्रांजिशन नहीं हो रही थी। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आपको ट्रांजिशन बता देता हूँ। तो यहाँ देखें पहली बिट जीरो, ठीक है, इसके आगे इसने इस तरह किया कि इस पे इसके ये पहली बिट जीरो है यानी इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन उसके बाद देखें वन आता है कि इसने फ़ौरन ट्रांजिशन लिया है, जैसे वन नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्जन में आता जाएगा ये ट्रांजिशन ले लेगा। तो यहाँ इसने ट्रांजिशन ले ली क्योंकि नेक्स्ट वन आ गया, लेकिन अगली बिट पर गया तो देखा नेक्स्ट बिट जीरो है तो इसने ट्रांजिशन नहीं ली। इसके बाद जीरो पर उसने नहीं ली, उसके बाद नेक्स्ट बिट वन आती गई तो इसने ट्रांजिशन ले ली। सिमिलरली नेक्स्ट बिट वन आती गई तो फिर ट्रांजिशन ले ली, और फिर नेक्स्ट बिट वन आती गई तो फिर इसने ट्रांजिशन ले ली गई, और फिर नेक्स्ट बिट जीरो आती गई तो इसने ट्रांजिशन नहीं ली, ठीक है। और इसके बाद हमारा आ जाते हैं जनाब पोलर स्कीम की दूसरी टाइप होती है, वो होती है रिटर्न टू जीरो। तो रिटर्न टू जीरो में इस तरह होता है कि एक बिट के हाफ में से भी कहीं ट्रांजिशन हो जाती है। तो इसके इसमें रिटर्न टू जीरो में तीन वोल्टेज लेवल यूज़ होते हैं। एक होता है प्लस वोल्टेज जो कि एक से रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज है जो जीरो से रिप्रेजेंट करता है, और जीरो वोल्टेज को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये जीरो वोल्टेज जैसी ट्रांजिशन नीचे आती जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वोल्टेज जीरो हो गई है। तो ये रिटर्न टू जीरो से मुराद क्या हो गया, रिटर्न टू जीरो से मुराद ये हो गया कि हमारी जो बिट थी, ठीक है, वो इस तरह कर लिया कि मिडल में जीरो पर आ जाती है यानी जीरो वोल्टेज पर आ जाती है। तो इसमें पॉजिटिव वोल्टेज हमारा यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है वन से रिप्रेजेंट हुआ पड़ा है, जीरो से नेगेटिव वोल्टेज है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी जीरो से नेगेटिव और वन से पॉजिटिव वोल्टेज शो हो रहा है, और ये न्यूट्रल यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दरमियान में से हमारी जीरो वोल्टेज पर चली गई है। तो ये तो थी पोलर स्कीम रिटर्न टू ज़ीरो। इसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है बाई फेस की, तो उस पर बात कर लेते हैं। बाई फेस की दो टाइप्स हैं, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है। तो मैनचेस्टर स्कीम जो होती है ये रिटर्न टू ज़ीरो और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल के पर होती है, यानी इसमें होता सारा कुछ वही है लेकिन ये दरमियान में से दो हाफ में डिवाइड हुई पड़ी होती है एक बिट, ठीक है, और ये बिट मिडल में से ट्रांजिट होती है, ठीक है। और इसमें फेज कब चेंज होता है जब डिफरेंट बिट इनकाउंटर होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर रिटर्न टू जीरो और रिटर्न टू जीरो इन्वर्जन है, यानी ये रिटर्न टू मैनचेस्टर ये होता है कि रिटर्न टू नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल ही है लेकिन इसमें अगर बिट में दरमियान में जीरो यानी बिट ख़त्म हो जाए तो ये नीचे आ जाती है। इसी तरीके से अगर डिफरेंशियल मैनचेस्टर है तो ये रिटर्न टू जीरो इन्वर्जन है लेकिन अगर इसके दरमियान में अगर बिट के दरमियान में से कहीं बिट एंड हो जाती है या डेटा एंड हो जाता है तो ये दरमियान में ट्रांजिट कर जाती है। तो इसके बाद होती है बाईपोलर इनकोडिंग, ठीक है। बाईपोलर इनकोडिंग में तीन लेवल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो तीन वोल्टेज लेवल होते हैं, पॉजिटिव यूनी के लिए, नेगेटिव पोलर के लिए और जीरो बाईपोलर के लिए, ठीक है। जीरो वोल्टेज को अमूमन बाइनरी जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा बिट वन है ये प्लस और नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसकी बाईपोलर इनकोडिंग की दो टाइप्स हैं, एक है एएमआई और दूसरी है स्यूडो टर्नरी। एएमआई यानी अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, और अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में क्या होता है, अगर नेक्स्ट बिट वन है तो इसमें इन्वर्जन होती है, ठीक है, और अगर अगर नेक्स्ट बिट जो हमारी जीरो है तो इसमें इन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है।
तो इसमें रिप्रेजेंट ये देखें, नेक्स्ट बिट वन है तो इसने इन्वर्जन कर ली, नेक्स्ट बिट उसकी फिर दोबारा वन है तो इसने इन्वर्जन की, वैसे इसने इन्वर्जन की वैल्यू से पैरेलल चलती रही है। तो सूडो टर्नरी इससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ इन्वर्जन का मैं बताते चलूँ कि पहली बिट पॉजिटिव होगी, नेक्स्ट बिट न्यूट्रल होगी और उससे नेक्स्ट वन नेगेटिव होगा। इसी तरीके से सूडो टर्नरी है, उसमें हम जीरो के हिसाब से करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। तो पहली बिट पहला जीरो पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट न्यूट्रल होगा और नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट नेगेटिव होगा। तो इसमें होता क्या, अगर नेक्स्ट बिट हमारी जीरो है तो ये इसको इस तरह कर लेगा कि इन्वर्जन होगी या ट्रांजिशन होगी। तो ये देख सकते हैं, यानी नेक्स्ट बिट अगर जीरो है तो इसमें इन्वर्जन हुई है। तो पहली अगर पहला फर्स्ट जीरो पर पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट पर न्यूट्रल और फर्दर नेक्स्ट पर नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से जो तो चौथी टाइप है लाइन कोडिंग की, उसको कहते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में एक स्कीम यूज होती है 2B1Q, यानी टू बिट्स यानी टू बाइनरी वन क्वार्टरनरी। टू बाइनरी से मुराद यह है कि टू बाइनरी का एक होगी बिट होगी, और वन क्वार्टरनरी से मुराद यह है कि इसमें चार लेवल होंगे, यानी चार क्वार्टरनरी चार लेवल्स को कहते हैं, प्लस थ्री, प्लस वन, माइनस वन और माइनस थ्री। अगर प्लस जीरो जीरो है तो नेक्स्ट माइनस थ्री पर जाएगा, यानी उसके लेवल इस तरीके से होते हैं, प्लस थ्री, प्लस वन, माइनस वन, माइनस थ्री। ठीक है, तो बिट दो की ही होती है, मतलब जीरो जीरो, जीरो वन। या तो अगर नेक्स्ट हमारा जीरो जीरो होगा तो नेक्स्ट हमारा इस तरह करेगा कि माइनस थ्री पे चला आएगा। ठीक है, और सिमिलरली इस तरह होगा कि अगर हमारा नेक्स्ट जीरो वन होगा तो ये हमारा इस तरह कर लेगा कि माइनस वन पर चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस वन पर, माइनस वन पे, वन जीरो होगा तो प्लस वन पर, वन वन होगा तो थ्री पर आ जाएगा। इसके बाद है चौथी, जो पांचवी जो टाइप है वो है मल्टी ट्रांजिशन। मल्टी ट्रांजिशन यानी जिसके लिए हम अमूमन लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं MLT3 टाइप। तो ये इसमें फर्दर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाती है, उसके अलावा भी इसके अंदर क्लॉक्स और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो थी टाइप थी लाइन कोडिंग थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि लाइन कोडिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्लॉक कोडिंग पर बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम स्क्रैम्बलिंग पर बात करके फर्दर टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इस पर मैंने इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं की, हालांकि इन सब का अलग अलग लाइन इनकोडिंग का टॉपिक्स बन सकता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं उनके एग्ज़ाम है, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ इसको छोड़ मैंने इख्तसार के साथ काम लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।